नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हरीश एकेडमी में। जो पुराने वीडियो थे अपने, उसमें मध्य प्रदेश की नदियाँ बहुत अच्छी तरीके से अपन ने पुराने वीडियो में कंप्लीट की हैं। आज का अपना टॉपिक है फसल उत्पादक जिले। देखो, फसल जो मध्य प्रदेश की फसलों से संबंधित आज का टॉपिक है, बहुत ही बेहतरीन टॉपिक अपना होने वाला है। बहुत अच्छा सेशन चलेगा अपना ये। क्यों? क्योंकि फसल से संबंधित अभी तक केवल अपन ने रबी की फसलें, खरीफ की फसलें, जायद की फसलें यही तक अध्ययन किया है। मैं आपको रबी, खरीफ और जायद ये फसलें तो ठीक ही है, सबको पता है। इसके आगे बियॉन्ड और कौन कौन सी, किस तरीके से क्वेश्चन इससे बनेंगे, कैसे कैसे क्वेश्चन आएंगे, अंत तक बने रहिए। देख, चलिए शुरुआत करते हैं। एक एक बिल्कुल बारीकी से फसल से संबंधित कहीं से भी क्वेश्चन आएगा उन चीज़ों पर चर्चा करेंगे। देखो, पहले तो सबसे पहले अपन फसलों की यदि चर्चा करेंगे तो फसल में तो तीन तो पहले एक बार रिवाइज ही कर लेते हैं। एक तो रबी की फसल, एक हो गई आपकी खरीफ, एक रबी हो गई, एक खरीफ। रबी की फसल, दूसरी खरीफ की फसल और तीसरी जायद। ये बिल्कुल सिंपल सा है और जो एक्स्ट्रा चीज़ें हैं वो धीरे धीरे आगे आएंगी। देखो, रबी की फसल और खरीफ की फसल और जायद की फसल, ये बस केवल सिंपल सा तीन शब्द में ये कंप्लीट हो जाएगा और ये आपको समझ लेना है। केवल तीन शब्दों में समझना है इसको, रबी, खरीफ और जायद क्या होता है। रबी मतलब जब शीतकालीन समय पर जो बुआई होती है वो सब फसलें कहलाती हैं रबी की फसलें। कब? शीतकालीन समय, ठंडियों के समय पर जो बुआई होती है वो सब कहलाती हैं रबी की फसलें। खरीफ मतलब क्या है? कि ग्रीष्मकालीन समय या वर्षा ऋतु के समय जिसकी बुआई होती है वो सब कहलाती है खरीफ की फसलें। तो यह मान लो वर्षा ऋतु के समय। जायद गर्मियों में यानी कि व्यावसायिक फसलों जो होती हैं वो सब कहलाती हैं जायद की फसलें। अब इसमें कन्फ्यूज बिल्कुल नहीं होना, इतना बार याद रख लो। खरीफ, खरीफ से खा मतलब खराब मौसम। क्या खास से क्या याद रखना है? खराब मौसम मतलब खराब मौसम वाली फसलें। खराब मौसम कैसा? जब बरसात होती है तो कहते हैं बड़ा खराब मौसम है, बड़ा सही मौसम नहीं है, तो खरीफ की फसलें सब हो गई। ठीक है, तो अब खरीफ की फसलों में आप सब लोग जानते हो कि जब अधिकतर क्या बरसात होगी तो जो अधिक पानी चाहिए जिन फसलों को वही फसलें खरीफ की होंगी। जैसे चावल, ज्वार, मक्का, ये सब क्या होंगी? खरीफ की फसलें होंगी। रबी की फसलें क्या होंगी? जिनमें पानी की कम आवश्यकता होगी और ठंड में भी सर्वाइव कर सके, चना, गेहूं, ये सब क्या हो गई? रबी की फसलें। जायद व्यावसायिक फसलें आप सब लोग जानते हो, लहसुन, अदरक और जिस तरीके से ये टमाटर वमाटर ये इन सब की खेती करेंगे ये सब क्या कहलाएंगी? अपनी जायद फसलें कहलाएंगी। तो ये तो हो गया फसल का ओवरव्यू जो अभी तक पढ़ा। अब फसलों से संबंधित जो क्वेश्चन आते हैं, यहाँ से क्वेश्चन आते थे यदि आ गए तो बस खरीफ रबी में थोड़ा कन्फ्यूज करते तो अब नहीं होगा। खरीफ मतलब खराब फसलें। ठीक है, अब चलिए इसके बाद अब मेन पॉइंट पे आते हैं, मेन टॉपिक पे अपनी बात करेंगे कि कैसे क्या पढ़ना है और कहां कहां से क्वेश्चन आने की संभावना है। देखो, सबसे पहले मैं फसल के हिसाब से लिखता हूं। एक एक चीज़ बहुत बारीकी से समझना, ध्यान से समझना कि थोड़ा सा भी मिस करोगे तो यहां जो आप मेन कॉन्सेप्ट है वो उससे भूल जाओगे कि किस तरीके से इसको पकड़ करके याद करके चलना है आगे। पहले मैं यहां पर लिख रहा हूं गेहूं। ठीक है, अब गेहूं से संबंधित जो क्वेश्चन आएंगे उनके बारे में अपन चर्चा करेंगे। तो पहला तो यह है कि मध्य प्रदेश का सबसे अधिक मात्रा में गेहूं का उत्पादक जिला कौन सा है? तो जो मतलब अधिक मात्रा में जहां पर गेहूं का उत्पादन होता है तो जिले का नाम है होशंगाबाद। कौन सा जिला है? होशंगाबाद। होशंगाबाद कहां? यहां पर आता है, तो यहां लिख देता हूं मैं, इसी के सामने यहां लिख देता हूं। तो होशंगाबाद जो है वो क्या है? होशंगाबाद सबसे अधिक मात्रा में गेहूं का उत्पादन होशंगाबाद में ही होता है। आप सब लोगों को पता होगा, नहीं पता तो इसको बिल्कुल याद कर लीजिए कि गेहूं का अधिक मात्रा में उत्पादन कहाँ होता है? होशंगाबाद। तो पहले तो ये क्वेश्चन बन सकता है। दूसरा जो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है इसकी किस्म, कि कौन किस किस प्रकार के गेहूं होते हैं। आपने गांव में सुना होगा कि भैया लोकमान जो गेहूं है उसको अपन बुआई में ले लेते हैं, या सरबती है उसको बुआई में ले लेते हैं। ठीक है, और RS वो 25 ऐसे, ये इस टाइप के भी जो नाम आपने पढ़े होंगे उस टाइप के गेहूं ले लेते हैं। ये क्या होते हैं? इनकी वैरायटी होती है कि ये रिसर्च के द्वारा वैरायटी तैयार की जाती है कि जैसे आपने लोकमान की बुआई की तो एक एकड़ में ये कितना मतलब कितने हेक्टेयर, एक हेक्टेयर में कितना पैदावारी अधिक मात्रा में ये देता है, इसको पानी कम लगता है, इसको इस वाली जो बीज रहता है उसको खाद कम लगती है, उस टाइप से इसकी किस्में होती हैं। तो कुछ किस्में हैं जो याद रखनी है। तो गेहूं की सबसे इम्पोर्टेंट याद रखनी है सरावती। एक किस्म का नाम क्या है? सरावती किस्म गेहूं की, जो आप लोगों ने सुनी, मैंने अभी बताई सरावती हो गई।
दूसरी याद रखनी है लोकमान, लोकमान ये एक शरावती एक लोकमान, और तीसरी एक किस्म इसकी जो पेपरों में अधिकतर पूछी जाती है राज, क्या नाम है उसका, राज। तीन किस्में गेहूं की याद रखनी है, कौन कौन सी, होता कहां पर है, होशंगाबाद में, किस्में कौन कौन सी, एक शरावती, दूसरी लोकमान और तीसरी राज, ये तीन किस्में जो है तो गेहूं की इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये तीन हो गई किस्में, शरावती हो गई, लोकमान हो गई और राज, ये तीन किस्में हो गई गेहूं की। अगली बात, गेहूं का भंडार किस पठार को कहा जाता है, यदि ऐसा क्वेश्चन पूछ ले, अब समझना एक एक बात, मैंने बताया था गेहूं का उत्पादक जिला होशंगाबाद, जहां पर गेहूं जो है तो अधिक मात्रा में होता है, उसकी किस्में हो गई कौन कौन सी किस्में हैं। अब गेहूं से संबंधित क्वेश्चन है कि गेहूं का उत्पादक कौन सा पठार है, पठार यदि पूछ ले तो जो मालवा का पठार है, सोयाबीन तो है ही उसको, सोयाबीन का तो गेहूं के जो मालवा का क्षेत्र है उसको गेहूं का भंडार भी कहा जाता है, गेहूं का भंडार, मालवा के क्षेत्र को गेहूं का भंडार कहा जाता है, क्या कहा जाता है, मालवा के क्षेत्र को गेहूं का भंडार भी कहा जाता है। ये कन्फ्यूज बिल्कुल नहीं होना कि अरे मालवा में सोयाबीन अधिक मात्रा में है, वो तो है, सोयाबीन का तो कहा ही जाता है, बट मालवा का जो क्षेत्र है उसको गेहूं का भंडार की संज्ञा भी दी गई है मालवा के क्षेत्र को। ठीक है, तो ये बात यहाँ तक हो गई, क्या कहा गया, गेहूं का भंडार, तो गेहूं से संबंधित ये तीन चार बातें हो गई। ऐसे ही एक एक फसल लेकर के चलना है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट आगे आपको चीज़ें मिलती चलेंगी। दूसरी बात करते हैं अब गेहूं के बाद चावल की, चावल की बात करेंगे, तो चावल सबसे अधिक मात्रा में कहाँ, ये जो क्षेत्र यहाँ का है ये बालाघाट का क्षेत्र, तो कहाँ पर पाया जाता है, बालाघाट, बालाघाट का जो क्षेत्र है वहाँ पर क्या पाया जाता है, चावल की मात्रा अधिक रहती है। अच्छा, एक चावल का नाम सुना होगा काली मूंछ का चावल, काली मूंछ का चावल, ये नाम सुना होगा, बहुत ही फेमस है। ठीक है, दुकान में आप जाओगे ये नाम लोगे तो इसमें ये वाला चावल आपको काली मूंछ का चावल भी देंगे। तो ये जो काली मूंछ का चावल वो कहाँ, इसकी उत्पादकता कहाँ है, तो इसकी जो उत्पादकता है वो है बालाघाट में और उत्पादकता है सिवनी में, दो जगह है, सिवनी और बालाघाट में इसकी उत्पादकता है। तो यदि पेपर में इन दो में से कोई सभी ऑप्शन है तो उसको टिक करना है, काली मूंछ का चावल मध्य प्रदेश में कहाँ उत्पादन उसका किया जाता है, तो दो जिले बालाघाट और सिवनी ये याद रखने हैं, उन्हीं को टिक करना है। तो ये हो गया चावल का, चावल कहाँ, बालाघाट, पर्टिकुलर चावल का नाम क्या है, काली मूंछ का चावल, तो क्या हो गया, बालाघाट हो गया। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन ये है कि मध्य प्रदेश में, ध्यान से सुनना इसको, मध्य प्रदेश में सबसे बड़ी चावल मिल कहाँ, किस जिले में पर स्थापित की गई है, मध्य प्रदेश में, एक बार फिर से मैं बोल दे रहा हूँ, मध्य प्रदेश में सबसे अधिक मात्रा में चावल मिल कहाँ स्थापित की गई है, तो मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी चावल की जो मिल स्थापित की गई है या कारखाना स्थापित किया गया है वो किया गया है आपका इंदौर में, मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा चावल का जो चावल मिल की जो स्थापना की गई वो कहाँ की गई है आपकी, इंदौर में की गई है। ठीक है, तो ये हो गया आपके चावल से संबंधित, तो चावल की कितनी बात, दो हो गई, काली मूंछ का चावल एक किस्म हो गई उसकी, ठीक है, तो वो कहाँ है आपका, सिवनी और बालाघाट, और दूसरी उसकी हो गई मध्य प्रदेश चावल की सबसे बड़ी मिल कहाँ है, तो उसका आंसर हो गया इंदौर। अब तीसरी फसल पर बात करेंगे, तीसरी फसल कौन सी है, मक्का, मक्का कहाँ है अधिक मात्रा, मध्य प्रदेश में मक्का कहाँ होता है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि गेहूँ चावल और तिलहन सरसों, ठीक है, यही अपन लोग जानते हैं अपने क्षेत्रों में, सोयाबीन की है अधिक मात्रा में, बट ये जब जैसे क्वेश्चन लिया जाएगा मक्का, तो मक्का का क्षेत्र यदि पूछ लिया, जिला पूछ लिया पर्टिकुलर, तो उसमें टिक करना है, क्या टिक करना है, छिंदवाड़ा, मक्का कहाँ, छिंदवाड़ा और नीमच, छिंदवाड़ा प्लस नीमच, अफीम के लिए नीमच फेमस है वो मैं जानता हूँ, कि आगे बताऊँगा कि अफीम के लिए नीमच और मंदसौर है, बट यदि मक्का पूछ लिया जाए ना और ऑप्शन में नीमच हो, तो ये नहीं कि नीमच तैयार अफीम के लिए, मक्का के लिए थोड़ी ना है, लेकिन यहाँ पर ये याद रखना है कि मक्का कहाँ छिंदवाड़ा में भी है और कहाँ नीमच में भी है, जब मक्का की पर्टिकुलर बात करें। अच्छा, कॉर्न सिटी के नाम से फेमस है छिंदवाड़ा, छिंदवाड़ा को कॉर्न सिटी भी कहा जाता है, आप लोगों ने सुना भी होगा पेपर में अधिकतर कि छिंदवाड़ा को क्या कहा जाता है, कॉर्न सिटी के नाम से भी छिंदवाड़ा फेमस है जहाँ पर मक्का का उत्पादन होता है। दूसरी चीज, मक्का महोत्सव का आयोजन भी कहाँ किया जाता है, छिंदवाड़ा में मक्का महोत्सव का भी आयोजन किया जाता है, ये आपको पता होगा कि छिंदवाड़ा में क्या होता है, मक्का महोत्सव का भी आयोजन किया जाता है। तो देखो, मक्का से संबंधित बहुत अच्छे क्वेश्चन हैं,
कि मक्का कहाँ उत्पादन कहाँ होता है अधिक मात्रा में, छिंदवाड़ा और नीमच। दूसरी बात, कॉर्न सिटी किसे कहा जाता है, वो कहा जाता है छिंदवाड़ा को। तीसरा, मक्का महोत्सव का आयोजन कहाँ किया जाता है, वो भी कहाँ किया जाता है, छिंदवाड़ा में किया जाता है। तो ये हो गए मक्का से संबंधित इंपॉर्टेंट बातें। आगे चलते चलिए और अच्छे से अच्छे ये फसल संबंधित जो क्वेश्चन है आपके सामने आते चले जाएंगे। अब चलिए छिंदवाड़ा नीमच स्थिति आप लोगों को पता ही होगी कि नीमच यहाँ पर है और छिंदवाड़ा यहाँ है। ये छिंदवाड़ा ये मक्का की बात हो गई। अब अगला जो अंगली फसल कौन सी है अपनी, गन्ना। देखो गन्ना का तो पता होगा कि नरसिंहपुर का क्षेत्र है। कहाँ पर गन्ना, कौन सा जिला है गन्ना के लिए, जो नरसिंहपुर जिला है वहाँ पर अधिक मात्रा में गन्ना का उत्पादन किया जाता है। ठीक है, अब मध्य प्रदेश गन्ना अनुसंधान केंद्र कहाँ है, गन्ना से क्वेश्चन यही आता है, मध्य प्रदेश गन्ना अनुसंधान केंद्र वो भी नरसिंहपुर में है। नरसिंहपुर का गाररवारा क्षेत्र है, बुहानी पर्टिकुलर क्षेत्र बताऊँ, बुहानी गाररवारा वहाँ पर ही नरसिंहपुर में ही क्या है, गन्ना अनुसंधान केंद्र की स्थापना की गई है। और गन्ना अधिक मात्रा में किस यदि जिला पूछ ले तो बिल्कुल टिक कर देना है, एक बिल्कुल बिना सोचे ही नरसिंहपुर सही हो जाएगा आपका। ठीक है, अब अगली फसल कौन सी है अपनी, सरसों की बात कर लेते हैं। अच्छा, सरसों का नाम लेते ही आपको चंबल संभाग या संभाग पूछे चंबल, तो सरसों। अच्छा, सरसों में यदि पूछे तो सरसों का अधिक मात्रा में उत्पादन बिल्कुल बेशक चंबल संभाग में, मध्य भारत का जो क्षेत्र है सरसों का उत्पादन क्षेत्र है। दूसरा, सरसों संबंध और कौन है, सरसों का जिला किसे कहा जाता है, तो सरसों का जिला किसे कहा जाता है, मुरैना। सरसों जिला किसे कहा जाता है, मुरैना जो है उसको सरसों जिला कहा जाता है। अब देखो कन्फ्यूजन नहीं होना, कन्फ्यूज इसलिए करेगा क्योंकि इसी में भिंड ऑप्शन रहेगा, बट भिंड को सरसों जिला नहीं कहा जाता है। सरसों का जिला किसे कहा जाता है, ना ग्वालियर को बोला जाता है, सरसों जिला केवल मुरैना को ही बोला जाता है। तो बिल्कुल इसको याद रखना है कि सरसों जिला कौन सा है आपका, मुरैना जो है, तो सरसों जिला ये सही आंसर हो जाएगा। अब अगले पॉइंट की बात करेंगे, बिल्कुल फैक्ट टू फैक्ट ये अपन चल रहे हैं, धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। सरसों के बाद अब कौन सा, अब अपना आ जाएगा कपास। किसकी बात करेंगे, कपास की बात करेंगे। कपास में क्या क्या, कपास की फसल में कौन कपास कहाँ पाया जाता है, सबको जिला पता होगा। कुछ इंपॉर्टेंट बातें इससे लेंगे, एक तो खंडवा है, ठीक है, और दूसरे नंबर पर है खरगोन। ठीक है, अब यहीं से मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताऊंगा जो आप लोग कन्फ्यूजन अधिकतर उससे होते होंगे। देखो खंडवा खरगोन कपास उत्पादक जिले हैं, और इनका एक नाम और क्या है, इनको सुनहरे जिले की संज्ञा भी दी गई है। किसको, खंडवा खरगोन को, सुनहरा कपास होता है तो सुनहरे जिले खंडवा खरगोन को भी कहा जाता है। एक इम्पॉर्टेंट बात यह है कि मूंगफली के उत्पादन में सबसे अधिक मात्रा में कौन सा जिला है जहाँ पर मूंगफली का उत्पादन अधिक मात्रा होता है। देखो पूरे भारत की यदि बात करें तो उसमें एक राज्य है जिसका नाम है गुजरात, जहाँ पर मूंगफली का उत्पादन अधिक मात्रा में होता है, और महाराष्ट्र में भी होता है बट गुजरात है। ठीक है, दूसरी बात कि यदि मध्य प्रदेश से बात करें तो सरसों, देखो अब खंडवा खरगोन का बड़ा कन्फ्यूज कर देगा, एक तो यहाँ पर एक खंडवा खरगोन में आ जाएगा गांजा आपका, ये यहाँ उत्पादन होता है। दूसरा तो कपास हो ही गया, और तीसरा मूंगफली के सर्वाधिक उत्पादन में इसी का स्थान है, किसका, जो अपना खंडवा खरगोन है। तो एक बार पेपर में क्या है, ये सब लोगों ने रट रखा है कि गांजा का उत्पादन खंडवा खरगोन, क्वेश्चन ये पूछ लिया कि इनमें से कौन सा ऐसा जिला है जो मूंगफली के उत्पादन में सर्वाधिक है। तो उसमें अब क्या, खंडवा ऑप्शन में, तो खंडवा तो लोगों ने इसलिए टिक नहीं किया कि अरे यहाँ तो गांजा का उत्पादन होता है, मूंगफली होगी ही नहीं। तो याद रखना है कि कपास खंडवा खरगोन, गांजा भी खंडवा खरगोन, और मूंगफली भी खंडवा खरगोन जो है, तो ये उत्पादक जिले हैं। तो बिल्कुल इसमें कन्फ्यूजन नहीं होना है, इस सिंपल सा इस चीज़ को ऐसे ही याद किए रखना है। अब इसके बाद कौन सा अपना आएगा, इसके बाद अपना आ जाएगा कपास के बाद जो अंगली अपनी फसल रहेगी वो रहेगी अफीम। ठीक है, अफीम गांजा के बाद ही अफीम बनती है, तो अफीम में अब अफीम की बात करेंगे। अच्छा, अफीम में कौन से जिले हैं, अफीम में तो फेमस जिले हैं अफीम के, कौन से हैं, एक तो हो गया मंदसौर, और दूसरा जिले का नाम क्या है, दूसरे जिले का नाम है नीमच। ठीक है, तो मंदसौर अपना ये जो ये क्षेत्र, ये वाला जो बेल्ट है राजस्थान के क्षेत्र, ये मंदसौर नीमच वाला जो बेल्ट, ये जो क्षेत्र है ये काहे के लिए है, यहाँ पर अधिक मात्रा में अफीम का उत्पादन होता है। काहे का उत्पादन होता है, अफीम का उत्पादन अधिक मात्रा में कहाँ होता है, मंदसौर और नीमच में। अधिकतर जेलों में आप देखोगे कि NDPS एक्ट वाले जो अधिकतर लोग जो व्यापारी रहते हैं या किसी तरीके की एक्टिविटी में रहते हैं, तो आपको मिल जाएगा कि इस क्षेत्र से जो गतिविधियां होती हैं अधिकतर NDPS एक्ट में जेलों में आपको मिलेंगे। तो अफीम क्या है, मंदसौर और नीमच में अफीम का जो है तो उत्पादन होता है। अब अगली बात है, तो पूरे राज्य में ये सब चीज़ें चलती है, बट ये यहाँ पर इसका उत्पादन जो है तो कहाँ होता है,
मंदसौर में। अच्छा एक बात आप लोगों के दिमाग में आती होगी कि ये अफीम का उत्पादन होता है, गांजे का उत्पादन होता है, राज्य सरकार क्यों कुछ नहीं करती यहाँ पर। भाई ये लाइसेंस वाले हैं, आप लोगों ने पढ़ा होगा कि जब प्राइवेटाइजेशन हुआ था तो जब ये प्राइवेटाइजेशन के लिए इन्होंने जो एक्ट बनाए उसमें से तीन चार चीज़ों के लिए लाइसेंस के लिए छोड़ दिया था, अफीम हो गया, तंबाकू संबंधित जो पदार्थ हो गए और पेट्रोलियम हो गया, इन सब चीज़ों के लिए कुछ छोड़े गए थे, ऐसी मिल छोड़ी गई थी या ऐसे कारखाने छोड़े गए थे जिनके लिए आपको लाइसेंस लेना पड़ेगा, उसके बाद ही आप कर सकते हैं। तो दवाइयों में इनका उपयोग किया जाता है, इस कारण से ये अफीम और गांजे का यहाँ राज्य सरकार ही जो है तो उत्पादन इनका करवाती है। अब अंगली फसल है दलहन। कौन सी फसल है? दलहन फसल है। दलहन फसल के जिले कौन कौन से हैं? देखो दलहन, तिलहन हो गया ये क्षेत्र, ठीक है, और दलहन वाला जो क्षेत्र है वो ये वाला बेल्ट है, ये बेल्ट यहाँ से ऐसे इस तरीके से यदि मैं घुमाऊँ तो ये हो गया अपना दलहन का बेल्ट, ठीक है। अब दलहन के बेल्ट में क्या है कि इस जो क्षेत्र है तो इसमें कौन से ज़िले आएंगे आपके? आपको पता होगा इसमें सीहोर भी आ जाएगा, ठीक है, और इसमें एक जिला और आ जाएगा जिसका नाम है नरसिंहपुर का क्षेत्र भी आ जाएगा। ये अधिक मात्रा में उत्पादन करते हैं किसका? दलहन का, ठीक है, अरहर की जो दाल है। अच्छा अब एक क्वेश्चन इसका है जो पेपर में पूछा जाता है, नेशनल लेग्यूमिन उसका नाम ये है, नेशनल लेग्यूम रिसर्च सेंटर। नेशनल लेग्यूम रिसर्च सेंटर की स्थापना मध्य प्रदेश में कहाँ की गई है? इसका आंसर है आपका सीहोर जिला, जहाँ पर नेशनल लेग्यूम रिसर्च सेंटर की स्थापना की गई है। तो ये दलहन से संबंधित क्वेश्चन हो जाएगा कि नेशनल लेग्यूम रिसर्च सेंटर की स्थापना कहाँ की गई है, तो आपका ये जो सीहोर जिला है वहाँ पर नेशनल लेग्यूम रिसर्च सेंटर की स्थापना की गई है। सीहोर का एक क्षेत्र है पर्टिकुलर अमलाहा, वहाँ पर की गई है, ठीक है। तो ये बात हो गई आपकी दलहन से। अब दलहन के बाद अब कौन सी फसल अंगली है अपनी? फसल का नाम है तिलहन, मैं बताया था ना कि दलहन हो गई। अब उसके बाद सोयाबीन ले लेते हैं, सोयाबीन। अब सोयाबीन का नाम लेते ही मालवा का क्षेत्र याद आ जाता है, अच्छी बात है, तो वहाँ पर ही सोयाबीन की अधिक मात्रा में उत्पादन होता है। मालवा का क्षेत्र में पर्टिकुलर जिला पूछा जाए तो पर्टिकुलर जिला की बात आ जाएगी, तो उसमें हो जाएगा आपका, एक हो जाएगा उज्जैन और दूसरा हो जाएगा आपका धार जिला, जहाँ पर सोयाबीन का अत्यधिक मात्रा में उत्पादन किया जाता है। अब सोयाबीन से और क्या है? देखो सोयाबीन की एक तो आप लोग जानते हो कि जो सोयाबीन है अपना वो मध्य प्रदेश की राजकीय फसल घोषित है। मध्य प्रदेश की राजकीय फसल कौन सी है? सोयाबीन है, सब लोग जानते हो। इसकी कुछ किस्में हैं जो बहुत ज़्यादा फेमस हैं और उनसे क्वेश्चन आते रहते हैं। उसमें से एक किस्म का नाम है जो आप लोगों ने कहीं ना कहीं पढ़ा होगा, जिसका नाम है अहिल्या, ठीक है। जो ये अहिल्या किस्म है ये सोयाबीन की ही किस्म है, अहिल्या, ठीक है। दूसरी एक किस्म है जिसका नाम याद रखना, ये कंफ्यूज कर सकती है, अंकुर। क्या नाम है? अंकुर किस्म है, ये भी किसकी किस्म है? सोयाबीन की है। और तीसरी किस्म का नाम है जवाहर। कौन सी? जवाहर। तो ये तीन किस्में हो गई। कौन सी? ये सबसे इंपॉर्टेंट हो गई अहिल्या। अहिल्या किसकी किस्म है? सोयाबीन की। दूसरी इंपॉर्टेंट है आपकी अंकुर। अंकुर किस्म किसकी है? वो भी सोयाबीन की है। और तीसरी इंपॉर्टेंट आपकी किस्म हो गई सोयाबीन की, जवाहर। तो तीन हो गई, एक हो गई अहिल्या, एक हो गई अंकुर और तीसरी हो गई जवाहर। तो सोयाबीन की कितनी किस्में? तीन किस्में। कौन कौन सी? अहिल्या हो गई एक, दूसरे नंबर पर अंकुर और तीसरे नंबर पर कौन सी हो गई? जवाहर। तो ये तीन किस्में सोयाबीन की हो गई। अब गांजा का मैंने आपको बता ही दिया है कौन सा हो गया, खंडवा और खरगोन का क्षेत्र, ठीक है। और उज्जैन और धार कहाँ है? उज्जैन यहाँ पर है, यहीं पर है, और धार यहीं पर है, ये दो जिले हैं। और मैं ये अंडरस्टूड समझता हूँ कि सबको, आप लोगों को मैप के स्थितियाँ याद हैं कि कौन से जिले कहाँ पर स्थित हैं। अब अंगली जो अपनी फसल लेंगे उसमें ले लेंगे कॉफ़ी। आप कहोगे कॉफ़ी का भी उत्पादन मध्य प्रदेश में होता है? हाँ भाई बिल्कुल होता है कॉफ़ी का उत्पादन। कहाँ होता है मध्य प्रदेश में कॉफ़ी का उत्पादन? केवल एकमात्र जिला जो मध्य प्रदेश में कॉफ़ी का उत्पादन करता है उसका नाम है बैतूल। एक पहाड़ी है कुकड़ू हिल्स करके बैतूल की, वहाँ पर कॉफ़ी का उत्पादन होता है। तो ये याद रखना, जिला कौन सा है कॉफ़ी का? बैतूल, याद रखना बैतूल जिला। पर्टिकुलर यदि पहाड़ी पूछ ले तो कुकड़ू हिल्स याद रखना, जो कुकड़ू हिल्स पहाड़ी है वहाँ पर कॉफ़ी का उत्पादन किया जाता है। अच्छा अब दूसरी बात क्या है कि एक और है कॉफ़ी के बाद, यदि बात करें तंबाकू में, ये क्वेश्चन आया है, इसको भी थोड़ा सा देख लीजिए, कुछ नहीं है इसमें। तंबाकू के उत्पादन में मध्य प्रदेश का प्रथम राज्य कौन है जहां सबसे अधिक मात्रा में तंबाकू का उत्पादन किया जाता है? तो उसमें अपन को टिक करना है रीवा। कौन सा राज्य है? जो रीवा है वो मध्य प्रदेश में तंबाकू का उत्पादन अधिक मात्रा में करता है।
तो ये तो हो गई अपनी फसलों की बात, फसल कौन कौन से हैं। अभी इसमें और क्वेश्चन आते हैं, देखो एक तो इसी के बाद इसी फसल से क्वेश्चन अभी बनेंगे आपके बागवानी, बागवानी में आम का उत्पादन नूर जहां आम, देखो अब कभी कभी आम की वो प्रजातियां पूछ लेता है कौन कौन से आदमी ये आम ये कहाँ सुंदर जहाँ नूर जहाँ ये प्रजातियाँ भी पूछता है, आम हो गया ठीक है। और बागवानी के बाद कुछ आती है सब्जी और मसाले की, अदरक का अधिक मात्रा में उत्पादन कहाँ होता है और ठीक है लहसुन का अधिक मात्रा में उत्पादन किस राज्य में होता है, तो ये एक छोटा सा वीडियो मैं अगला एक सेकंड वीडियो बना दूंगा तो उसमें से ये सब उत्पादन खत्म हो जाएंगे। तो मतलब क्या होगा कि इससे फसल से संबंधित जो भी क्वेश्चन आएंगे वो अपने कंप्लीट हो जाएंगे। तो धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।